తెలంగాణలో రెండు నెలల్లో కాంగ్రెస్ కథనోత్సాహంతో ముందుకెళ్తుందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల బాధ్యుడు మాణిక్రావు ఠాక్రే తెలిపారు పార్టీ నేతల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలే తప్ప వ్యక్తిగత ఆక్రోశాలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు కాంగ్రెస్ అంటే గెట్టని వారు చేస్తున్న దుష్ప్రచారమే ఎక్కువ ఉందంటున్న మాణిక్రావు ఠాక్రేతో మా ప్రతినిధి మణికేశ్వర్ ముఖాముఖి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి మూడు గెలుపులు ఆరు ఓటములు అన్నట్టుగా కొనసాగుతుంది ఇక నాయకుల పరస్పర విమర్శలు కత్తులు దూసుకోవడం అయితే సర్వసాధారణమే అలాంటి నేపథ్యంలోనూ కార్ పార్టీ నూతన సారథిగా మాణికరావు ఠాక్రే బాధ్యతలు చేపట్టడం ప్రాధాన్యతాంక్షంగా మారింది వచ్చే ఎన్నికలు ఏం చేస్తారనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ఆయన మనతో పట్టున్నారు సబ్ నమస్తే పైలే ఆదిలాబాద్ మే హే తో అగిలే ఎలక్షన్ మే पार्टी को कैसा सामने ले जाते हैं और पार्टी में तो इतना है जो एक बोले तो एक को नहीं गिरने का मौसम है उसको कैसा निभाते मैंने देखा लगातार मैंने सबके साथ बातचीत की पहले ही दो दिन अभी तीन दिन बातचीत की पर सभी ने मिलकर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी लाने के लिए जो भी जिम्मेदारी हम पर आप डालेंगे वो तो पूरी तरह हम निभाएंगे बड़े अच्छे तरीके से वातावरण कुछ ही दिनों में तैयार हुआ है मुझे लगता है कि इसी को हम ले आगे ले जाकर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्ता में आएगी उसके लिए पूरा प्लानिंग भी हमने बनाया है किस तरीके से आगे जाना चाहिए सबको आगे जाना चाहिए सब सब जितने भी हमारे राज्य में गरीब लोग है कम्युनिटीज़ है अलग अलग समस्याएं हैं बहुत सारी बातें हैं तो उनको लोगों के सामने हमको रखना है कि हम हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं वो भी बात हमारे सामने तो वो पूरी तरह हम प्लान तैयार किया हुआ है हो तो सकता है कि आगे चल के बी और कम्युनिस्ट के साथ साथ अलियंस से जाने का मौका आएंगे तो तो अभी तक क्रिटिसाइज करें या बी को और या कम्युनिस्ट को दूसरे भाजपा का अगेंस्ट में फिर आगे चल के अलियंस में उसको कैसा समझ सकते हैं हम और लोग कैसा समझते हैं उसको हमारे जो उद्देश्य है सत्ता में आने का या पार्टी लड़ाने का तो वो जो बातें हैं वो हम लोगों के सामने रखने के बाद लोग हमारे साथ आएंगे ना कि किसी की हमको जरूरत रहेगी क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से हम पूरे स्टेट को देख रहे हैं कुछ ही दिन में जितना मैंने समझा है सभी से बातें होने के बाद जो मेरे सामने बातें आई है तो उसमें से हम पूरी तरह जीत सकते हैं किसी की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी इंडिविजुअल में कितना जीतेंगे आप हमारा वन वन नई नए आपका टारगेट क्या है अगर इंडिविजुअल में पूरे तरह जीतने के कितने सीटों में आपका ताकत है नेताओं को एक साथ होकर हम आगे बढ़ेंगे जो भी इनकी गलतियां हैं वो लोगों के सामने रखेंगे कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर पाई है ना वो करने का उनमें दम है वो पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट होता है उनको अगर कोई वोटिंग मिलता भी है उनके कुछ चुन के भी आते हैं तो वो आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बीजेपी को ही फायदा इन लोगों से मिल रहा है ये माई रहो इनकी पार्टी रहो या बाकी भी कुछ पार्टियाँ ऐसी बनी हुई पूरे देश में और बीजेपी का तो ये बिल्कुल तरीका है कि जो कांग्रेस विचारधारा है या कांग्रेस के खिलाफ कुछ पार्टियों को इस तरीके से तैयार कर दे ताकि उनको वोट कटे और उनकी पार्टी आगे बढ़ जाए ये प्लानिंग का हिस्सा है अभी भी तेलंगाना में हर केड़े में हर सिटी में कांग्रेस का कैडर बहुत ही है बोल तो कुछ कम नहीं है लेकिन उसको यूटिलाइज करने का लीडरशिप कम है उसको क्या कर सकते अभी आपको दिखाई देगा आप देखिए दो महीने के अंदर क्या पूरे तेलंगाना में क्या होता है आज कदम बढ़ रहा है उसकी तरफ हमारे सब एक साथ होकर एकजुट होकर सब नेता एक साथ बात कर रहे हैं इसका तरफ से इंचार्ज जो बने चुका है तेलंगाना के इंचार्ज के ऊपर एलिगेशन आया फलाना फलाना आदमी फलाना लीडर में फेवर में और फलाना आदमी फलाना ग्रुप के फेवर में है अब हमारा मानिक राव ठाकरे किन के फेवर में है और इनको कुछ अगर एलिगेशन आए तो एक अच्छी सोच समझने वाले का आदमी को नहीं तो नेता को ऐसा कुछ बोलने को तो आपका दिल नाराज होते कि नहीं पॉलिटिक्स में हम सब लोग हैं और पॉलिटिक्स में होने के नाते जो अपोजिशन वाले हैं तो प्रचार उस तरीके से हुआ है तेलंगाना के अंदर जो झूठी बातें गलत बातें इस तरीके से फैलाई जा रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो एक विचारधारा शुरू से ही आप देखिए जो ये जो बाकी बातें जो फैलाई है किस पार्टी ने फैलाई है कौन फैला रहा है लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है कर रहा है और कैसे कैसी बातें पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं ये कौन लोग है जो भी कांग्रेस बैला से नहीं तो कांग्रेस के जो भी क्रम शिक्षा है उसको अगर कुछ आ, नहीं फॉलो नहीं होने वाले जो लीडर्स रहते हैं उसके ऊपर पार्टी की तरफ से पार्टी के ओर से एक्शन लेके अगर पार्टी में रहा नहीं रहा बोल कैसे सोच सकते क्या जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सब बहुत बड़े लोग हैं बहुत दो चार बार चुन के आए हैं मिनिस्टर रह चुके हैं पार्टी के बहुत बुनियादी जो बातें उनके जहन में पूरी तरह हैं तो वो एक साथ होकर काम कर रहे हैं तो उसको कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा या करता है तो फिर कांग्रेस विचारों के खिलाफ हम तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे उस बात को लेकिन ये बात पक्की है कि आज सब नेता कुछ जो बातें फैलाई जा रही हो वो फैलाई जाए अपोजिशन की तरफ से फैलाई जा रही है लेकिन ऐसी बात नहीं मैंने जो पांच दिन में देखा है सभी एकजुट होकर छोटी मोटी बातें भूल जाइए आप किसी ने कुछ एक आध बोल दिया चैनल के सामने आके अपने प्रेस्टीज के लिए पब्लिक सिटी के लिए बोल दिया कुछ हो गया तो वो तो एक छोटी जाएगी लेकिन कोई अंतर नहीं है किसी के विचार में काम करने के बारे में कोई ये नहीं कहता कि हम काम नहीं करेंगे इस तरीके से बातें एक बड़े अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआत कर दी हमने कि सबको साथ में लेकर पूरी तरह हम कांग्रेस एक महीने के दो महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस ही आप बोलेंगे कि ఏక రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి మాణికాక్రే అభిప్రాయం రాజకీయమన్న ప్రశంసలు విమర్శలు రెండు సాధ్యమైన మాట నుంచి వీటన్నిటిని పట్టించుకోకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల హామీలను విస్మరించిన పాలకులను పక్కన పెట్టి కాంగ్రెస్ని అధికారులకు తేవడమే తమ అజెండాగా ముందుకెళ్తామనే సూచన వినిపిస్తుంది కెమెరామెన్ కిరణ్ తో మణి ఈటీవీ న్యూస్ ఆదిలాబాబు